हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो के लिए, ये ना बहुत ही ज़्यादा पुराना एक उडेन अलमीरा या शोकेस टाइप का हमारे घर में रखा हुआ था, जो कि हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे, जो कि आप लोग इसका हालत देख कर समझ ही गए होंगे। तो इसका एक डोर तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है टर्माइट के वजह से, एंड दूसरे डोर का कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो मैं आज उसी डोर को यूज़ करके एक DIY करने वाला हूँ। एंड क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ? एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं अंडर के पार्ट मतलब कि अलमीरा को भी ट्रांसफॉर्म कर दूँ, सो कमेंट कर देना येस लिख के। सो यहाँ पे मैंने डोर को अलग कर लिया है, एंड अभी ये जो 3 पार्ट्स है उसे भी निकाल लेंगे एक स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से, लाइक सो। पहले उडेन बीज को निकाल लेंगे। एंड हम इन बीट्स को फिर से यहाँ पर रीयूज करेंगे। उडेन बीट्स को निकाल लेने के बाद इन सभी को भी निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा सैंडिंग करके क्लीन कर लेंगे। अभी जो उडेन बीट्स हमने पहले निकाल करके रखा था उन सभी को लेके यहाँ जो अंदर का साइड है वहाँ पर फिक्स कर लेंगे नेल के हेल्प से। एंड यहाँ पर 5 mm जितना गैप छोड़ देना है। एंड क्यों, आप लोगों को अभी बाद में पता चल जाएगा। पहले सारे बॉर्डर्स पर बीच को फिक्स कर लेंगे, लाइक सो। फिर अभी लिया है एक 1.5 इंच थिक वुडन स्टिक, जो कि मेरे पास पहले से ही अवेलेबल था। फिर यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करके 4 लेग्स को कट कर लेना है बाई यूजिंग एन हैक्सो। एंड अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। फिर जो 15 इंच के पीसेस कट करा था वहाँ 3 इंच पर मार्क करना है सभी पीसेस पर। अगेन लिया है 2 10 इंच के वुडन स्टिक, और अभी 2 15 इंच के स्टिक को एक 10 इंच के स्टिक के साथ जोड़ लेना है, जो हमने मार्किंग किया है 3 इंच पर, उसको ध्यान में रखते हुए। एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम यहाँ पर सेकेंड पीस को भी रेडी कर लेंगे। फिर जो हमारा डोर था उससे थोड़ा सा कम लेंथ का एक स्टिक लेना है, एंड जो लेग्स हमने रेडी करके रखा था वहाँ सेंटर में इसे फिक्स करना है इस तरीके से, और हमारे नीचे का फ्रेम तैयार हो गया है। अभी यहाँ डोर में जो दो कट था वहाँ पर भी 2 छोटे-छोटे वुडन पीसेस को फिक्स कर दिया। नाउ दोनों पीसेस को एक साथ सिक्योर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नेल्स। अभी लिया है एमसील, एंड जो भी क्रैक्स या अनइवन स्पॉट है वहां पर एमसील को लगा लेंगे। एंड देन स्मूथ आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सैंड पेपर। नाउ इट्स टाइम फॉर द पेंट। मैं यहाँ पर एशियन पेंट्स का व्हाइट ऑयल बेस्ड पेंट यूज कर रहा हूँ, एंड अच्छे से यहाँ पर पेंट को अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड ड्राई होने के बाद मैंने लिया है इस तरीके के डिजाइन वाला 1 इंच वुडन बिट, एंड इसको टेबल के सारों एजेस पर फिक्स कर लेंगे, सो दैट की फिनिशिंग अच्छा आए एंड देखने में भी अच्छा लगे। फिर अभी ये ग्लास के पीसेस मैंने अपने टेबल के यहाँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करवा करके लाया है दुकान से ही। फेविकॉल के हेल्प से ग्लास को टेबल पर स्टिक कर लेंगे अभी। एंड क्यों मैंने 5 mm का गैप छोड़ा था, इसीलिए ताकि ग्लास यहाँ पर फिक्स हो सके। इसी तरीके से बाकी के दोनों ग्लास को भी फिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर साइड में थोड़ा थोड़ा गैप रह गया है जो कि आप लोग देख रहे होंगे, सो मैं मोल्डेड क्ले के हेल्प से यहाँ पर कुछ डिजाइन्स बना लूंगा। क्ले के पतले पतले स्ट्रिप्स को रेडी करके
जॉइंट्स पर पहले फिक्स किया है। फिर एक नाइफ के हेल्प से इस तरीके के डिजाइंस बना लेंगे। देन अप्लाई किया है व्हाइट एक्रेलिक कलर। एंड लो, इसी के साथ हमारा DIY टेबल भी रेडी होता है। तो चलो अब इसका एक फाइनल लुक देख लेते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। मैं आप लोगों को मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।